हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माई सेल्फ मिथिलेश एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट स्लाइसेस इन गोलैंग. सो गाइस, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको स्लाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ. तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था अरेज के बारे में, राइट गाइस. तो अगर आपको अरेज के बारे में चीज़ें समझ में आई होगी, तो गाइस जब हम अरेज बनाते हैं तो आपने एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर देखी होगी कि हम वहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू लिखते हैं. सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट अ साइज ऑफ योर अरे, ठीक है. उसके हिसाब से तुम तुम्हारा अरे बनाते हो. लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अरे, और देन हम उसको बताते हैं कि हमारा जो टाइप है वो किस टाइप का होना चाहिए. दिस इज द वे वी कैन डिक्लेयर एन अरे, ठीक है. सो गाइस, एट द एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि जो अरे है ये कहीं ना कहीं गोलैंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेंथ गाइस, ठीक है. इसको तुम एक्सीड नहीं कर सकते हो, तो ये लिमिटेड हो जाता है. अब गाइज, इसका गो में एक अल्टरनेटिव भी है जो मैं आपको बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो गाइज वो और कुछ नहीं, वो है स्लाइस, ठीक है गाइज. तो उसको हम बोलते हैं स्लाइस. सो स्लाइस जो है गाइज, इट्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है. जैसे तुम पाइथन में लिस्ट यूज करते हो वैसा ही है गाइज यहाँ पे, ठीक है. तो ये गाइज क्या होता है ना, मतलब सिमिलर वे है इसको भी डिक्लेयर करने का. इसमें कुछ अलग चीज़ भी नहीं है ज़्यादा, तुम्हें बस ऐसा यूज़ करना है. सेम नाम डालो अपना, वार का कीवर्ड यूज़ कियो. बस यहाँ पे एक चीज़ जो अलग है वो ये है गाइस कि तुम्हें यहाँ पे कोई साइज देने की जरूरत नहीं है. देन यू कैन डिक्लेयर इट द डेटा टाइप, ठीक है. अब यहाँ पे दोनों चीज़ जो है सिमिलर क्या है गाइस, सिमिलर ये है कि जो स्लाइस होता है वो भी सिमिलर डेटा टाइप का एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है. इसमें भी तुम हेट्रोजीनियस नहीं डाल सकते हो. अगर तुमने इंट रखा है तो एन टी होना चाहिए, स्ट्रिंग है, ठीक है. या अदर देन दैट कोई भी अगर आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर द थिंग्स. लाइक ये हो गया तुम्हारा एरे का डिक्लेरेशन, ये हो गया तुम्हारा स्लाइस का डिक्लेरेशन, ठीक है. अब गाइस एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे तुम्हें और भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक खुद का अरे बना ही लेते हैं गाइस, तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी. तो मैं यहाँ पे एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है. और यहाँ पे मैं एक स्लाइस बनाता हूँ, तो मैं स्लाइस के लिए SRRR यूज़ कर रहा हूँ गाइस. और यहाँ पे मुझे जैसा कि साइज नहीं देनी है तो मैं नहीं दे रहा हूँ. ये हो गया मेरा स्लाइस रेडी, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं अरे ऑफ ज़ीरो equals to something like 1, or we can use array of 1 equals to 2, sorry my bad guys, 2, ठीक है. और इसके बाद हम सिमिलरली इसी को कॉपी कर लेते गाइज. और गाइज यहाँ पे मैं इसको 10 नहीं करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ, ठीक है. अभी के एग्जाम्पल के लिए आप चाहिए तो बाद में इसको एक्सीड करके टेस्ट कर सकते हो आपके लोकल सिस्टम पे, ठीक है. तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, और इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं. तो गाइज यहाँ पे जस्ट वैल्यू चेंज कर लेता हूँ मैं 2, 3 and 4, ठीक है. ना ऑल सेट गाइज. अब तुम जैसा कि देख रहे हो कि ये मेरा अरे सेट हो चुका है. सिमिलरली मुझे स्लाइस है, तो स्लाइस में गाइज देखो मैंने यहाँ पे कोई लेंथ नहीं दी है, ठीक है. तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ एज इट इज़. अब देखो हम इसको डिफॉल्ट प्रिंट करते हैं तो होता क्या है, ठीक है. तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं fmt.print, ठीक है. तो प्रिंट ln यूज़ कर रहा हूँ गाइज मैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ अरे, और दूसरा मैं अपना स्लाइस को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है. सो गाइज लेट्स रन द कोड. सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो अरे में वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, बट जैसा कि मैंने स्लाइस में कोई लेंथ नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया, तो ये एम्प्टी मुझे दिख रहा है, ठीक है. तो ये देखो एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी डेटा मुझे नहीं दिख रहा है. अब गाइज हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे स्लाइसेस में भी जो वैल्यू है उसको इंसर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है. तो गाइज यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि अगर तुम्हें स्लाइस में अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें पता है कि तुम यहाँ पे सीधा इसकी वैल्यूज को डाल सकते हो, राइट. दिस इज द वन वे वी कैन डू दैट, राइट. बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमें जो ये वेरिएबल है यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, ठीक है. तो अब देखो दिस इज द वे वी कैन इनिशियलाइज अ डिफॉल्ट स्लाइस, तुम ऐसे भी कर सकते हो. द अदर वे वर्क अराउंड, लाइक तुम्हें चाहिए तो तुम इस अरे को भी यूज कर सकते हो. तो पहले गाइस मैं तुम्हें ये वाला आउटपुट दिखा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है. तो मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4 ले लिया है, ठीक है. ये प्रॉपर चल गया. अब गाइस इसको क्या करते हैं, इसको रिवर्ट कर लेते हैं जैसा नॉर्मल था, हम इसको वैसा कर लेते हैं, ठीक है. तो ये आ गया हमारा एकदम इनिशियल स्टेट पे. अब जो दूसरा तरीका है स्लाइस को यूज़ करने का, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि जो मेरा SSR मैंने जो ऊपर यूज़ किया है, ठीक है, ये जो है वेरिएबल, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो डिक्लेयर किया हुआ है, राइट. तो यहाँ पे मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अब मुझे सिर्फ इसमें वैल्यूज़ चाहिए, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो मेरा अरे है, ठीक है, तुम उसकी जो है ना 1 से लेके 4 तक की वैल्यू मुझे दो, ठीक है. तो देखो गाइज ये मेरा अभी स्लाइस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने इस अरे को क्या किया है, जो भी अरे था उस अरे में से मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसके फर्स्ट इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक की मुझे वैल्यूज दो, ठीक है. सो गाइज आप अगर पाइथन बैकग्राउंड से हो तो ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होगी दैट आई एम डूइंग अ स्लाइसिंग, ठीक है.
तो इसके जो सब एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ से इसको निकाल के इस वेरिएबल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज लेट्स रन दिस कोड। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर चल गया। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो 2 1 2 है राइट। तो अब देखो गाइज अरे जो होता है वो शुरू होता है इंडेक्स 0 से। तो आप देखो 0th इंडेक्स पे इसके 1 है, 1 वाले इंडेक्स पे इसको 2 मिला है, देन 2 के इंडेक्स पे इसको 1 मिला है और 3 के इंडेक्स पे इसको 2 मिला है। तो जैसा कि मैंने कोड को बोला था कि इंडेक्स 1 से लेके 4 तक, तो क्या करेगा इंडेक्स 1 को कंसिडर करेगा बट वो 4 पे नहीं जाएगा गाइज, वो 4 को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है, वो 3 तक ही जाएगा। तो देखो 1 2 3, तो तुम देखोगे कि ये चीज़ हमें अपने स्लाइस में दिख रही है। एंड आई एम राइट गाइज, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 2 1 2, तो ये प्रॉपरली चल गया है। तो गाइज अभी तुम देखो अगर ये चाहिए तो तुम नॉर्मल, अगर तुम्हें पूरा का पूरा अरे एज अ स्लाइस यूज़ करना तो तुम ऐसे रन कर लो, ये पूरा का पूरा जो अरे है वो पूरा का पूरा स्लाइस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे भाई ये क्या गारंटेड है कि तुम्हें ये स्लाइस ही है। तो गाइज जैसा कि मैंने तुम्हें इनिशियली दिखाया था कि जो मेरा स्लाइस है वो एक एम्प्टी बॉक्स रहता है, लाइक उसमें कुछ लेंथ नहीं होती राइट। तो हम इसको अभी प्रिंटर से इसका टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ अरे का, और दूसरा मैंने डाला है स्लाइस का। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो मेरी अरे है और दूसरी जो चीज़ है मेरी वो स्लाइस है राइट। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया। तो आप देखो मैंने जो एरे बनाया था उसका लेंथ था 5 राइट। उसके बाद तुम देखो जो दूसरा मेरा यहाँ पे SSR है उसका भी यहाँ पे टाइप आ गया है, दैट इज एम्प्टी ऑफ एंट राइट। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैंने एरे दिया था वो देखो 5 का एंट था, और यहाँ पे जो मैंने स्लाइस दिया था इसमें कोई लेंथ नहीं दी थी मैंने। तो गाइज ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये जो मेरा स्लाइस है ये प्रॉपर चल रहा है, इसने एरे के अंदर के एलिमेंट्स को स्लाइस किया और यहाँ पे वो डेटा डाल दिया है। ओके, अब अगर इसका दूसरा प्रूफ तुम्हें चाहिए तो मैं इसको एक दूसरा प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ऐसे जो तुम्हारी स्लाइस होती है उसमें अगर तुम्हें कोई वैल्यू ऐड करनी हो, ठीक है, तो वी कैन यूज़ अपेंड, ठीक है। अपेंड लिखो, अपेंड फंक्शन के अंदर तुम्हारा जो पहला पैरामीटर जाता है वो तुम्हारा डिफॉल्ट जो भी तुम्हारा स्लाइस होगा वो डाल दो, एंड सेकेंडली तुम्हें डालना होता है कि तुम्हें कौन सी वैल्यू अपेंड करनी है। तो लेट्स सी अगर मुझे 10 डालना है। ओके, सो मैं इसको वापस एक बार रन कर देता हूँ ताकि हम टाइप कन्फर्म कर लें। ओके, तो आप देखो ये अभी भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ये प्रिंट स्टेटमेंट नीचे भी एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा अपना स्लाइस प्रिंट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा स्लाइस है वो इसके अंदर की वैल्यूज देने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टॉप पे था ये मेरे को इसने पहले टाइप बताया। गाइस मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, वेट, नहीं तो ये आपको कन्फ्यूज करेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया, मैं अब इसको रन कर देता हूँ वापस। तो अभी आप लोग ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि इसने अरे का जो भी एलिमेंट था वो तो लिया ही लिया, लाइक यू कैन सी 1 2 1 2 1 राइट, ये प्रॉपर यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने इसमें एक वैल्यू अपेंड की थी डेट इज 10, तो वो यहाँ पे अपेंड हो चुकी है। सो गाइज ये तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये अरे के हिसाब से अब लिमिटेड नहीं है, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, अभी जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, इज लाइक 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रॉपरली काम कर रही है। अगर अभी तुम्हें चाहिए कि इसमें तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो तुम ऐसे भी ऐड कर लो गाइज। अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 20, सो हम एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं फिर से। तो आप देख सकते हो कि ये 20 भी यहाँ पे एलिमेंट ऐड हो चुका है। तो गाइज ये आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो तुम्हारा स्लाइस होता है वो लिमिटेड नहीं है, ये रिसाइजेबल है, तो मैं इसको चेंज कर सकते हो साइज को। बट द प्लस पॉइंट इज कि हम जो यहाँ पे एरे है, ठीक है, तो वो अरे को तुम स्लाइस कर सकते हो, लाइक अगर तुम चाहिए तो यहाँ से 1 से दे दो तो ये एंड तक की वैल्यू ले लेगा। अब अगर तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ से लेके 5 तक की वैल्यू ले लो तो ये 5 तक की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे तुम स्लाइसिंग भी कर सकते हो। ओके, द अदर एडवांटेज ऑफ स्लाइस इज कि तुम यहाँ पे वैल्यूज को एक्स्ट्रा ऐड भी कर पा रहे हो, लाइक तुम इसको अपेंड भी कर पा रहे हो। एंड सिमिलरली गाइज हम इसको फोर लूप से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर लूप के हिसाब से अगर मैं इसको चाहूँ तो लाइक अगर मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, देन आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माई स्लाइस, देन आई प्लस प्लस, ठीक है, और हम इसको कर लेते हैं प्रिंट। तो गाइज मैं यहाँ से ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट ln कर लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे SSR का जो भी इंडेक्स वाला वैल्यू आ रहा है वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इंडेक्स वाइज इसको प्रिंट कर रहे हैं, सो लेट मी रन द कोड। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये प्रॉपरली चल चुका है फोर लूप से भी। सिमिलरली गाइज हमको इस रेंज की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेंज का लॉजिक लिख दिया है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। बिफोर दैट गाइज आई एम कमेंटिंग द स्टफ, ओके, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली देखने लग जाए कि मैंने इसको रेंज के साथ प्रिंट किया है। तो अभी देखो मैंने इसके रेंज के साथ रन किया कोड।
एंड यू गाइज कैन सी ये प्रॉपरली चल चुका है। ठीक है, तो देखो गाइज मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है एज इट इज, जैसा मैंने फोर लूप से रन किया था। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्लाइस है ये कहीं ना कहीं अरे से मच बेटर है गाइज, बिकॉज यहाँ पे मुझे लेंथ रिलेटेड इश्यूज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर पा रहा हूँ, ऊपर से मैं अरे को ही यूज करके मेरा स्लाइस बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक अलग प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और गाइज उसकी जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि यार यहाँ पे तुम उसको डायनेमिकली यूज कर पा रहे हो, इसमें तुम वैल्यूज ऐड कर पा रहे हो। ठीक है गाइज, सो दिस इज हाउ स्लाइस वर्क्स इन गोलैंग। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।